नमस्कार मेरे भावी अध्यापकों, जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? तो बच्चों, कुछ प्रैक्टिस करना चालू करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हमारा टॉपिक है फंक्शन, है ना, इसके कुछ अपन बेहतरीन क्वेश्चन करते हैं, जो कि किसी भी टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो एनवीएस हो, चाहे केवीएस हो, चाहे आरपीएससी हो, चाहे डीट्रिपीएस भी हो, चाहे ईएमआरएस हो, चाहे एचटेट हो, किसी भी एग्जाम में आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। और एक सीरीज अपन चलाएंगे 10-10 क्वेश्चन की, तो इसको देखने में आपको टाइम भी नहीं लगेगा, 15-20 मिनट में फिनिश हो जाएगी। और एक आपकी क्वेश्चंस की लाइब्रेरी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और ऐड हो जाएंगे, ठीक है? और आपको लगता है एंड ऑफ द सेशन की वास्तव में क्वेश्चंस अच्छे थे और ये सेशन आपके लिए फ्रूटफुल रहा, तो इसको आगे शेयर भी करें ताकि और भी भावी अध्यापक हमारे से जुड़े। राधे राधे बच्चों। आइए, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने पेश है बच्चों, बिल्कुल बढ़िया सा, सुंदर सा। फॉर ए रियल नंबर, देखो मैंने तुम हमेशा बोला, देखो मैं केवल पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात नहीं करूंगा कि मैंने पहला क्वेश्चन समझाया तो मैं केवल इसी की बात करूँ। हो सकता है क्वेश्चन हमारे से 30 सेकंड में हो जाए, बट मैं इस पर टाइम लगाऊंगा ताकि मैं तुम्हें इस पूरे इस क्वेश्चन से जो भी इसके इर्द गिर्द वाले कॉन्सेप्ट हैं वो भी मैं तुम्हें समझा सकूँ। पूरा टॉपिक तो एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाना इम्पॉसिबल है ना, समझाना भी नहीं चाहिए, बट हाँ हम कोशिश करेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन तुम्हारे से हो पाए बच्चों, ना। देखो जब भी ये बड़ा वाला ब्रैकेट तुम्हें नजर आए तो इसका मतलब ये ग्रेटेस्ट इंटीरियर ही नहीं है। इसको हम जनरली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब बिग ब्रैकेट हम बोलते हैं, बड़ा ब्रैकेट हम बोलते हैं ना। लेकिन अगर वो ग्रेटेस्ट इंटीजर को रिप्रेजेंट करेगा तो वहां पर उस क्वेश्चन की मजबूरी है, वो बोलेगा कि साहब ये इस महत्तम पूर्णांक फलन को प्रदर्शित कर रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को प्रदर्शित कर रहा है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में आप सभी जानते हैं, 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होगा, 1.5 का 1 होगा, -1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 होगा, है ना। अब आइए बच्चों ध्यान से देखो ना, तो सबसे पहले इस फंक्शन को हम जनरलाइज फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर जनरलाइज फॉर्म में हम इसको लिखने की कोशिश करें तो इसको अपन ऐसे लिखें बच्चों, देखो 1/2 तो कॉन्स्टेंट चल ही रहा है, जो बाद वाला है वो वेरी कर रहा है, इसको मैंने लिख दिया x/100, ठीक है। अब इस फंक्शन की वैल्यू बच्चों 0 कब होगी? जब भी x है ना ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 49 होगा। बताओ कैसे होगा? तो देखो हाफ का मतलब 0.5, 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा। अब 90, ये 1/100 है, यानी कि जो ये वाला पोर्शन है ना, ये x/100 वाला पोर्शन, जब तक ये हाफ नहीं होगा तब तक ये 1 नहीं होगा, और जब तक ये हाफ से छोटा रहेगा तो पूरा इंटीजर हमारा 0 पॉइंट समथिंग रहेगा, है ना। पूरा डेटा 0 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर बच्चों कितना होता है? 0 होता है। तो हमने क्या बोला, अब ये हाफ होने के लिए इसको 50 होना जरूरी है एक्स को, यानी कि 0 से 49 तक ईच टर्म विल प्रोड्यूस 0, 0 से लेके 49 तक हर पद 0 आंसर देगा। जैसे आप इसको 50 कर दोगे तो आएगा ना भाई 99 से ज्यादा 50 भी आएगा, आएगा कोई बात ही नहीं इसमें। जब हम इसको 50 से ग्रेटर देन इक्वल टू और 99 तक ले लेंगे बच्चों, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है 99 से आगे में जाना भी नहीं है, तो ये बच्चों हाफ वैल्यू देना स्टार्ट कर देगा, हाफ और ग्रेटर देन हाफ। बट इसको देखो जैसे ये 100 हो जाता तो फिर ये कितना हो जाता बच्चों, अभी 100/101 तो भी 1 ही रहता। तो इस क्वेश्चन में हम ये बोल सकते हैं 99 तक ईच टर्म विल प्रोड्यूस 1। अब बहुत आसान है, अब देखो अभी भी जल्दबाजी हो सकती है ना, तो जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि इसका ऑप्शन देखो ऐसे ही है, 49, 50, 48, 51, थोड़ी सी गलती ऑप्शन मैच। 51 से लेकर 100 तक हम चलते हैं तो 50 टर्म हमारे पास होती है, तो एक कम से है ना, यानी 50 से 50 को हमने इंक्लूड किया है, 50 से लेकर 100 से कम तक भी जा रहे हैं तो भी 50 ही होगी, तो ऑब्वियसली इसका आंसर आएगा बच्चों सेकंड ऑप्शन। तो बात समझ में आ गई। अब इस क्वेश्चन से आप ये समझो ये कहीं से भी शुरू हो सकता है, कहीं तक भी जा सकता है, आपको इसके बारे में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए थी और बेसिक लॉजिक हमने लगाया आंसर। तो वेरी क्लियर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो, डोमेन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। बच्चों डोमेन को हम हिंदी में बोलते हैं प्रांत, क्या बोलते हैं? प्रांत। अब अगर हम 11th 12th वाले बिल्कुल सब्जेक्टिव अप्रोच से करें तो बहुत बेकार क्वेश्चन होते हैं डोमेन रेंज के, ना, सब्जेक्टिव में। बट जब हमारे पास चार विकल्प होते हैं, चार ऑप्शन हमारे पास होते हैं, तो इनसे बेहतरीन कोई क्वेश्चन होते हैं जीवित बच्चों, सबसे आसान होते हैं, फिर ऑप्शन की सहायता से हम कर सकते हैं। पहली बात, डोमेन ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच वाई इज डिफाइंड, यानी हमारा एफ एक्स डिफाइन होना चाहिए एक्स के वे सभी मान, एक्स की सारी वैल्यूज जिनके लिए वाई क्या हो डिफाइन हो, यानी कि डोमेन के लिए हम बोलते हैं ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, और रेंज के लिए हम बोलते हैं परिसर, ऑल वैल्यूज ऑफ वाई।
बट डोमेन में कंडीशन भी एक रेस्ट्रिक्शन हम लगा देते हैं कि ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच वाई इज डिफाइंड, वाई हमारा परिभाषित होना चाहिए, नो डिफाइंड नहीं होना चाहिए, आयोटा वगैरह नहीं आना चाहिए, है ना। चलो फिलहाल डोमेन की बात है, तो सबसे पहले सर आपने बोला कि वाई डिफाइन होना चाहिए, एफ एक्स इक्वल टू वाई होता है, तो वाई डिफाइन होना चाहिए, इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए, सबसे पहली बात तो बिल्कुल सही बात है। तो डिनोमिनेटर में अब इसको उल्टा चलाएंगे हम, डिनोमिनेटर जीरो कहाँ पे हो रहा है उनको हटा देंगे, है ना। तो ऑप्शन की ऑप्शन से भी आपको सहायता मिल जाएगी, जैसे माइनस वन और टू, माइनस वन और माइनस टू इसको सेटिस्फाई करेगा बच्चों, यानी कि नीचे जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू, इसको हम जीरो के बराबर यदि कर दें, इसको हम जीरो के बराबर कर दें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, उसको तुम सीधी तरह चार विधि से सॉल्व कर लो, चाहे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लो, या ऑप्शन से बाई ऑब्जर्वेशन आप वैल्यू रखकर देख लो, माइनस वन एंड माइनस टू बोथ विल सेटिस्फाई दिस, यानी कि एक्स बराबर माइनस एक और माइनस दो पर डिनोमिनेटर हमारा हर, हिंदी में हर बोलते हो ना अंश, और हर जीरो हो रहा है बच्चों, यानी कि माइनस वन और माइनस टू पर ये नॉट डिफाइन होगा। तो माइनस वन और माइनस टू के अलावा हम बात करेंगे, तो आपको दिख गया होगा बच्चों कि हम बिल्कुल सही ऑप्शंस की तरफ जा रहे हैं, यानी कि माइनस वन और माइनस टू तो आंसर में नहीं आने वाला। अब ऊपर चलते हैं, लोग लोग के बारे में क्या क्या जानते हैं, लोगरिथमिक में मैंने पूरा चैप्टर यूट्यूब पे पढ़ा भी रखा है बच्चों, देखना आप एप्लीकेशन में तो है। लोगरिथमिक सर जीरो पे कभी डिफाइंड नहीं होता, लोगरिथमिक का जो बेस है वो या तो जीरो और वन के बिटवीन रहेगा या ग्रेटर देन वन रहेगा, तो वो तो बेस तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, मैं तो एक्स से मतलब है। तो सर लोग एक तो नेगेटिव नंबर पर ऑपरेट नहीं होता और जीरो पर ऑपरेट नहीं होता, इसका मतलब सर आप ये बोलना चाह रहे हो कि जो एक्स प्लस थ्री है वो ग्रेटर देन जीरो होगा, यानी कि एक्स इज ग्रेटर देन माइनस थ्री, है ना, यानी कि माइनस थ्री ओपन इंटरवेल में और ये अप टू इनफाइनाइट हमारा चलेगा ये। बट एक्सेप्ट एक्सेप्ट माइनस वन एंड माइनस टू, अभी वो जो हमें एग्जैक्ट एलिमेंट से एग्जैक्ट नंबर्स को रिप्रेजेंट करना होता है तो उसको कर्ली ब्रेसेस में रिप्रेजेंट करते हैं इन जनरल, क्योंकि तो मैं ओपन इंटरवेल लगा दूं क्लोज इंटरवेल लगा दूं तो उसका मतलब तो अलग हो जाएगा। अब माइनस तीन से बड़ा बड़े सारे नंबर लेकिन माइनस एक और माइनस दो के अलावा, तो बेहतरीन तरीके से साफ साफ दिख रहा है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इज डी ऑप्शन। बात समझ में आई, पक्की बात बच्चों, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए। डोमेन ऑफ द फंक्शन, बिल्कुल सही जवाब आई है साहब। सबसे पहले सर हम देखते हैं रूट अंडर रूट के बारे में क्या जानते हैं बच्चों, देखो मैथ्स का एक बेसिक नेचर होता है कि क्या होता है कि हम इतने बड़े हो चुके हैं, बड़े इन द सेंस कि हमने बचपन में स्कूल स्कूलिंग स्कूल्स में मैथ्स पढ़ी, है ना, कॉलेज में मैथ्स पढ़ी, उसके बाद मुझे पता है मेरे कई भावी अध्यापक तो पढ़ाते भी हैं अभी से, दे आर ऑलरेडी गेस्ट फैकल्टीज इन स्कूल्स, है ना। बट कई बार क्या होता है छोटी छोटी बातें हमारी आज भी अधूरी है, जैसे आज भी बच्चों आधा हिंदुस्तान √25 को प्लस माइनस फाइव ही बोलता है, उनकी गलती नहीं है, उन्होंने जिनको पढ़ाया जिनको उन्होंने पढ़ाया उन्होंने उनको यही पढ़ाया, उन्होंने जिनसे पढ़ा उन्होंने भी यही पढ़ा, बट वी नो दैट इन मैथमेटिक्स एनी स्क्वायर रूट कैन नॉट बी नेगेटिव, रिजल्ट इज ओनली प्लस फाइव, है ना। तो छोटी छोटी बातें बेहतरीन क्वेश्चंस को करने के लिए एज ए स्टेप्स काम आती है बच्चों, ना जैसे यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे साइन इनवर्स का हमें पता है, साइन इनवर्स की जो रेंज है वो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू है, या इसकी डोमेन की हम बात करें तो माइनस वन टू वन है ना, तो इसको हम लिखते हैं एक बार ध्यान से देखना, है ना, साइन इनवर्स 2x, क्योंकि ये भी अपने आप में एक एंगल है, ये पाई बाय टू से बड़ा कभी हो ही नहीं सकता, और इसमें कॉन्स्टेंट वैल्यू ओवर एड है पाई बाय सिक्स, तो सर ये लेस देन इक्वल टू होगी पाई बाय टू, ये तो इसकी वैल्यू इसकी औकात आ गई, और ये कॉन्स्टेंट हमें ऐड करना ही करना पड़ेगा, कोई बात ही नहीं है। अच्छा ग्रेटर देन इक्वल टू सर हमें जीरो लगाना पड़ेगा बिकॉज स्क्वायर रूट है ये पूरा, स्क्वायर रूट कभी नेगेटिव रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करता, ओके। अब बस हमें एक्स तक जाना है, तो पहले पाई बाय सिक्स को हटाओगे तुम, तो माइनस पाई बाय सिक्स वॉट इट ग्रेटर देन इक्वल टू, आराम आराम से एक एक स्टेप है, तो ये पाई बाय टू यहाँ पे अकेला बचा हमारे पास, ठीक है। अब हमें साइन भी ऑपरेट करना पड़ेगा ताकि यहाँ से साइन हटे, तो साइन हटाओगे तो साइन -30° माइनस का 1/2 यहाँ पे आ गया 2x, यहाँ पे आ गया साइन पाई बाय टू यानी कि 1, टू भी हटाना पड़ेगा डिवाइड करो -1/4 और 1/2, हमारे पास आ गया क्लोज इंटरवल -1/4 to 1/2, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देखो एज ए टीचर मुझे तो एक एक स्टेप को थोड़ा डिटेल से करना पड़ता है,
मैं श्योर हूँ कि इसके बाद आप डायरेक्ट यहाँ पर पहुंच सकते थे, आंसर लगा सकते थे, ये वाली स्टेप पे नहीं हो सकता ही नहीं है, थोड़ा और आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो डायरेक्ट इसके बाद आप यहाँ पे आ सकते थे, है ना। जब आप फेयर कॉपी में दोबारा इन क्वेश्चन को करो, जैसे कि मैंने तो बोल रखा है कि आप एक बढ़िया सी नोटबुक बनाओ, उसमें यूट्यूब के सारे सेशन दोबारा किया करो, एप्लीकेशन के भी किया करो, तो हैंड टू हैंड आपका सेम डे रिविजन हो जाता है बच्चों ना। तो आई होप तीनों क्वेश्चन तुम्हारे ढंग से क्लियर है। फोर्थ क्वेश्चन पे अपन चलते हैं, बिल्कुल बेहतरीन बढ़िया क्वेश्चन। डोमेन ऑफ एफएक्स, इसने बोल दिया कि ये जो ब्रैकेट है, जो बिग ब्रैकेट है, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और आप एक काम और कर सकते हो बच्चों, जैसा कि रिकॉर्डेड सेशन है, हर क्वेश्चन को आप पहले पॉज कर सकते हो, जैसे क्वेश्चन आया अब आप वीडियो पॉज कर लो, एक बार अटेम्प्ट करो, क्योंकि मैथ्स में अटेम्प्ट करना सबसे बढ़िया रामबाण है बच्चों, ताकि आपको पता चले कि हाँ मेरे से ये गलती हो रही थी। वापस वीडियो प्ले करो तो पता लगेगा कि यार ये वाली गलती हो रही थी, ये मुझे दोबारा फॉलो नहीं करनी इस तरह के अगले क्वेश्चंस में, ठीक है। तो आप सीधा सीधा देखने की बजाय है ना उसको ट्राई किया करो बच्चों, ना रफ और रफ कॉपी और पेन साथ में रखा करो, है ना। अब आइए, अब हमें बता दे वो डोमेन इसके बारे में क्या जानते हैं अपन, -1 to 1 वेरी करेगा, कोई बात ही नहीं। इसको मैंने ले लिया -1, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर था ना है? तो ये लेस देन कहां तक रहेगा बच्चों, 2 तक रहेगा, बोलो हाँ या ना। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? भाई -1 to 1, 1 to 1, अब लेस देन 2 का मतलब वो 1 तक ही तो है। अरे बात समझ गए, अगर 1.99 भी है तो भी 1 ही है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो 1.9 की वैल्यू भी कितनी है, 1 ही है, ठीक है। बस बहुत आसान है। अब आओ, अब देयर आर टू इनइक्वालिटीज, इनको आप एक साथ भी एक्स तक पहुंच सकते हो, आप अलग अलग भी जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे अलग अलग मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ, आओ एक बार। जैसे मैंने यहाँ पे तुम्हें लिखा बच्चों, ध्यान से देखना ना, लिखा 2 - 4x² < 2, ठीक है। अब ये इनइक्वालिटी केवल एक ही कंडीशन पे होल्ड करेगी, है ना। जैसे देखो मैं बोल दूँ, यहाँ पे एक्स की वैल्यू तुम 1 रखो, यहाँ पे देखो स्क्वायर है, ये जो स्क्वायर है ना, ये जो परफेक्ट स्क्वायर है, ये कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा, वेरी क्लियर है, ये मिनिमम 0 हो सकता है। चलो अब जीरो वाला कैसे, एक बार मैं बाद में लेता हूँ, तुम 1 ले लो इसको, 1 लोगे तब भी ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी, होल्ड कर रही है ना भाई, नेगेटिव डेटा आएगा, नेगेटिव वैल्यू इज लेस देन 2, कोई बात ही नहीं इसमें, ठीक है। तुम 2 ले लो और बड़ा नेगेटिव आ जाएगा, लेस देन 2, कोई बात ही नहीं इसमें, बात समझने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ पर अपन क्या करें, तो अब ये बोल सकते हैं कि ये केवल किसके लिए होल्ड नहीं करेगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, क्योंकि जब एक्स की वैल्यू 0 ले लोगे तो 2 इज नॉट लेस देन 2, तो ये रियल नंबर एक्सेप्ट 0 के लिए ये वाले इनइक्वालिटी होल्ड हमारे पास करती है, क्लियर। यानी कि सारे रियल नंबर एक्सेप्ट 0, हमने कौन सी वाली ली, ये वाली ले ली। अब इसकी बात करते हैं, 2 - 4x² > -1, यही है ना भाई। बस अब क्या करो, इस 2 को उधर लेके चलो, -4x², तो ये -2 - -3 हो गया उधर जाके। हमें पता है इनइक्वालिटी का साइन दुनिया में केवल दो कंडीशंस पे चेंज होता है, जब दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों तरफ रेसिप्रोकल हम करते हैं, उल्टा करते हैं। भाई किसी को स्पीड फास्ट लगे तो स्लो कर लेना, स्लो लगे तो फास्ट कर लेना, है ना। यूट्यूब पे सारी सुविधाएं अवेलेबल है, ये इनइक्वालिटी चेंज कर दी बच्चों मैंने, x² < 3/4, अब इसको तुम्हें पता है -√3/2 से तो बड़ा और √3/2 से छोटा, तो दिख गया तुम्हें, -√3/2 से लेकर 0 तक गए, 0 को हमने इंक्लूड नहीं किया क्योंकि 0 ओपन इंटरवल में, फिर 0 से लेकर √3/2 तक आ गए, तो दोनों का कंबाइंड सॉल्यूशन सी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन इज वेरी करेक्ट आंसर, कोई बात ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, रेंज, रेंज को हिंदी में बोला जाता है परास या परिसर, है ना। जैसा कि हमने अभी 2-3 क्वेश्चन डोमेन के किए थे बच्चों ना, अभी रेंज का क्वेश्चन है, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वाई, यानी कि एफ एक्स की औकात हमें पता करनी है जनरली, है ना। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एक बार आप ट्राई करो इसको ना खुद से, मुझे पता बहुत सारे बच्चे इसका गलत आंसर देंगे, बट है ना एटलीस्ट आपको ट्राई करना चाहिए बच्चों। स्टार्ट,
हाँ जी बच्चों आवाज आई। देखो इसमें ना एक बेसिक सी बात है, मैं तुम्हें समझाऊंगा ना क्या। जनरली हमें क्या लगता है कि जो हमने पढ़ा था बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो टू होती है। फिर इसके बाद मैंने तुम्हें एक कॉन्सेप्ट और समझाया था, समथिंग प्लस वन अपॉन समथिंग, बहुत बार बता रखा है मैंने ना, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। जब ये डिब्बा, जब ये कॉन्टेंट यहाँ पे पॉजिटिव होगा तो इट विल प्रोवाइड इट्स मिनिमम वैल्यू टू। इसकी न्यूनतम मान बच्चों कितना होता है? प्लस का टू। जब भी डिब्बा ये कॉन्टेंट यहाँ पे नेगेटिव होता है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है बच्चों? माइनस। ठीक है, यानी कि हम बोलते हैं समथिंग प्लस वन अपॉन समथिंग नेवर लाइज बिटवीन माइनस टू एंड टू। तो अकॉर्डिंग टू दैट हम सी ऑप्शन आंसर लगा सकते हैं। बढ़िया भाई पंगा है, सी सी भी सही आंसर है, ऐसी कोई बात नहीं है ना। लेकिन बी ऑप्शन नहीं होता ना तो सी ऑप्शन इसका प्रॉपर आंसर होता है, कोई बात नहीं। लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज बी ऑप्शन। कैसे? क्योंकि एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की यदि हम बात करते हैं ना और एक्स पॉजिटिव है तो हम बोलते हैं ये वाला सेटिस्फाई करेगा मिनिमम वैल्यू टू। तो एक ही पावर एक्स, तो एक्सपोनेंशियल मैंने की चरघातांक हो गया एक तरह से, एक ही पावर एक्स, एक ही पावर एक्स। तो थ्री की पावर एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये वन अपॉन थ्री की पावर एक्स है, ऑलवेज पॉजिटिव, ग्रेटर देन जीरो। तो सर ग्रेटर देन जीरो का मतलब तो मिनिमम वैल्यू टू होगी, हम इस वाले पोर्शन पे जाने की आवश्यकता ही नहीं है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट रिजल्ट विल बी सेकेंड ऑप्शन। इस क्वेश्चन में ये खास बात थी क्योंकि हम एक माइंड सेट है कि हमें पता है समथिंग प्लस वन अपॉन समथिंग की मैक्सिमम वैल्यू माइनस टू होती है, मिनिमम वैल्यू टू होती है, नेवर लाइज बिटवीन माइनस टू एंड टू, बट पॉजिटिव है तो फिर अपन ये वाला लेंगे ना अगर ऑप्शन में। तो आई होप यू ऑल गॉट माई पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट एक्स एंड वाई, एक्स में तीन एलिमेंट्स हैं, वाई एक सेट है इसमें दो एलिमेंट्स हैं, फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई, और फंक्शन डिफाइन किस तरह से बच्चों, परिभाषित कैसे है? वाई बराबर 2x की घात 4, 2x की घात 4। अब आओ जी ध्यान से देखो बच्चों, तो अब यहाँ पे बच्चों ध्यान से देखो, सबसे पहले अपन बात करें इवन पावर आ रही है। जब इवन पावर आती है तो आपका दिमाग क्या बोलना चाहिए? कि मैन इवन फंक्शन होने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी, संभावना अचानक से बढ़ जाती है ना। जैसे मैं एक्स की वैल्यू यहाँ पे जीरो रखूँ तो जीरो आ रहा है, यानी कि ये वाला एलिमेंट आ गया, ये इमेज आ गई हमारे पास। मैं माइनस वन रखूँ तो भी टू आ रहा है, और वन रखूँ तो भी टू आ रहा है, यानी कि एक्स टू वाई, यानी कि वाई के सारे एलिमेंट आ रहे हैं, यानी कोडोमेन और रेंज हमारी बराबर है, छह प्रांत और परिसर हमारा बराबर है। तो जब कोडोमेन और रेंज बराबर होती है, नो एलिमेंट इज एम्प्टी इन वाई, इफ देयर इज फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई, तो ऑन टू फंक्शन, ये तो श्योर है। और वन पे भी इमेज टू है, माइनस वन पे भी इमेज टू है, तो ऑब्वियसली मैन इवन ऑन टू आप आंसर लगा दीजिए, सी ऑप्शन। अगर यहाँ पर एक एलिमेंट खाली रह जाता, कोई इमेज मान लो तीन होता और यहाँ पे किसी भी एलिमेंट से तीन नहीं आ रहा, तो फिर हम उसको इनटू बोलते। तो फिलहाल हमारा आंसर मेन इवन ऑन टू है ना, बहु एक एक की आच्छादक फलन है। नेक्स्ट, बहुत ही प्यारा सवाल है। देयर इज अ फंक्शन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, एफ एक्स है ना। अब ध्यान से देखिए बच्चों, इसके बारे में हम क्या जानते हैं बच्चों, ध्यान से छोटी सी बात समझना। यदि ये तो बहुत बेसिक है, मैंने फाउंडेशन क्लास में ही करवा देता हूँ, किसी बैच में एन है और क्वेश्चन डबल पूछे, स्क्वायर पूछे, तो हमारा आंसर क्या होता है बच्चों? एन स्क्वायर माइनस टू। वेरी क्लियर, डबल करने के दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, एक ही बात है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो ए से बी कैंसिल होगा, टू कॉन्स्टेंट उधर जाके माइनस हो जाएगा ना। तो इसको देखो तुम, है ना, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर है ना, इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। अब तुम बोलोगे सर नहीं लिख सकते क्योंकि इसमें टू एक्स्ट्रा आएगा, ओपन करके देखो, अब लिख सकते हैं, बैलेंस कर दिया मैंने, माइनस टू कर दिया इसको। अब हमारे क्वेश्चन पे आ जाओ आप, एफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू, इसको लिख दिया मैंने एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर और माइनस का टू, यानी फंक्शन किस तरह से बिहेव कर रहा है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस। तो फर्स्ट ऑप्शन शुड बी योर करेक्ट आंसर। वेरी क्लियर ऑन डन, मामला समझ में आ रहा है। ये सब बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों, ये इनके डायरेक्ट आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं।
डेटा चेंज हो सकता है थोड़ा बहुत, नंबर ऑफ मैपिंग। सोचो यूट्यूब पे मैं शॉर्ट वीडियोस भी डालता हूँ ना, और एक एक शॉर्ट वीडियो अपने एक एक क्वेश्चन को लेकर आता है बच्चों ना, तो आप देखना वहां पे वो तो डिटेल से मैंने बता भी रखा है। तो फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, ये हमारी मैपिंग होगी बच्चों। इसको डिटेल से मैंने एक्सप्लेन भी कर रखा, आप देखिएगा शॉर्ट वीडियोस में। तो आपका आंसर आएगा बच्चों यहाँ पे 3 की पावर 4, सेकेंड ऑप्शन, अगर ए टू बी की मैपिंग पूछ रहा था ना। बहुत ही प्यारा सवाल है बच्चों, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस कितने आच्छादक फलन होंगे। तो जितने भी बच्चे वीडियोस देख रहे हैं यूट्यूब पे सर्च करना नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, रोहित नामा लिख देना, या अपने इसी चैनल पे शॉर्ट वीडियोस वाले सेक्शन में जाना, चैनल पे शॉर्ट्स, शॉर्ट्स के नाम से एक आइकन तुम्हें दिखाई देगा, वहां पे रिसेंटली दूसरा तीसरा वीडियो आपको दिख जाएगा, बिल्कुल ऊपर ऊपर ही ऊपर दिख जाएगा आपको ना, ऑन टू फंक्शन वाला। उसको मैंने डिटेल से बताया कि कैसे हम नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन निकालते हैं। इसका आंसर आएगा 14, सॉरी मुझे आंसर नहीं बताना चाहिए था, फिर भी मैं श्योर नहीं हूँ कि इसका आंसर 14 है। आप सभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताओगे, वो शॉर्ट वीडियो देखकर इसका आंसर लगाओगे, और फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे कि हाँ सर क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर 14 आ रहा है, 16 आ रहा है, 12 आ रहा है, 8 आ रहा है, व्हाटएवर। ठीक है, तो आई विल वेट, है ना। तो जितने बच्चे देखे ईमानदारी से, 1 मिनट का वीडियो है, लेस देन 1 मिनट, 59 सेकेंड का होगा आई थिंक, तो 59 सेकेंड एक बार यही वीडियो पॉज करके शॉर्ट शॉर्ट पे जाओ, मैं देखो और आंसर लगाओ। ठीक है, डोमेन ऑफ द फंक्शन वही, ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर इज वाई इज द डिफाइन। तो मैंने क्या बोला था, ऑप्शन से करना ज्यादा बेहतरीन होता है ऐसे क्वेश्चंस को। तो अब आओ जी ऑप्शन से खेलते हैं, कितने आसान ऑप्शन है बताओ ना, 1 से 2, 0 से 2। तो 0 इंक्लूड करके देख लेते हैं एक बार, 0 पे तो फेल हो जाएगा, 1/0 नॉट डिफाइन। तो ये तो वैसे -1 to 0 होना चाहिए था ना। तो सर तीनों ऑप्शन एलिमिनेटेड है, ओनली फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, है ना। बस ऐसे ऑप्शन से रखा रख के देखा करो, जैसे यहाँ पे और रख लेते हैं, 1 रख के देख लो ना, 1 रखने पे 2 -1, 1 डिफाइन हो रहा है ना। 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 into 2, 4 -4, 2 से ग्रेटर देन वैल्यू होती है, ये स्क्वायर ज्यादा बड़ा हो जाएगा इससे, तो नेगेटिव वैल्यू देगा, फिर भी डिफाइन नहीं होगा। तो ऑप्शन से क्या करो बच्चों, वैल्यूज रख रखे हैं। तो आई होप ये 10 क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे, 1 क्वेश्चन मैंने करवाया नहीं है, वो तुम शॉर्ट वीडियो देखकर खुद आंसर लगाओगे कमेंट सेक्शन। तो जुड़े रहिए बच्चों, अब आपको ऑलमोस्ट डेली प्रैक्टिस सेशंस के वीडियोस मिलेंगे, 11th 12th वाले पोर्शन से भी, 9th 10th वाले पोर्शन से भी, ग्रेजुएशन वाले पोर्शन से भी, है ना। कभी भी डेट्स आ सकती है, अनाउंस होगी किसी न किसी एग्जाम की, तो है ना, तो आप तैयारी में लगे रहिए। दूसरा आई सजेस्ट टू एवरीवन, टेस्ट सीरीज बच्चों परचेज कर लो, वीक में कम से कम 2 टेस्ट आपको लगाने हैं। अभी जैसे कोई भी डेट अनाउंस होती है फिर अपन फ्रिक्वेंसी बढ़ा देंगे, टेस्ट विद सॉल्यूशन है, जो भी उनमें कोई थोड़ी बहुत एरर सी वो भी मैंने अपडेट कर दी है। यूपी की टेस्ट सीरीज अलग से अवेलेबल है, कंबाइन फॉर ऑल टीजीटी पीजीटी टेस्ट सीरीज अलग से है, DSSBC के लिए अलग से है। तो डाउनलोड एप्लीकेशन, एंड वास्तव में आपको लग रहा है कि फायदेमंद है तो शेयर भी करना। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।